शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है और लिखा है कि बीजेपी को अगले 5 साल इसी तरह पीछे हटने की आदत डाल लेनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी सामना में तीखा तंज कसा गया है, जहां सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने विश्वासमत प्रस्ताव जीत लिया। सरकार को मिला बहुमत औसत नहीं बल्कि अच्छा और धमाकेदार। सरकार के साथ 170 विधायकों का बल है, ये हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन फडणवीस के चट्टे बच्चों के चश्मे से ये आंकड़ा 130 के ऊपर जाने को तैयार नहीं था। तो सामना के जरिए यहां पर एक बार फिर से वार किया गया है बीजेपी पर और कहा है कि 5 साल पीछे हटने की आदत अब बीजेपी को डालनी चाहिए। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस पर भी तीखा हमला यहां पर किया गया है सामना में। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो कर्मफल है कहकर यहां ये पूरा जो सामना में लेख है वो दिया गया है और कहा गया है कि बीजेपी को अगले 5 साल इसी तरह पीछे हटने की आदत डाल लेनी चाहिए थी। और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी तीखा हमला बोला और यहां पर लिखा कि उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व में सरकार ने विश्वासमत प्रस्ताव जीत लिया, सरकार को बहुमत औसत नहीं बल्कि अच्छा और धमाकेदार मिला, सरकार के साथ 170 विधायकों का बल है, ये पहले दिन से हम कह रहे थे, लेकिन फडणवीस के चट्टे बट्टों के चश्मे से ये आंकड़ा 130 के ऊपर जाने को तैयार नहीं था।